The question is, find the equation of the plane passing through the point 0, 7, minus 7 and containing the line x plus 1 upon minus 3 is equals to y minus 3 by 2 is equals to z plus 2 by 1, right? तो हमें equation निकालनी है उस plane की जो इस point से pass करता है, passing point दिया है और एक ये जो line है वो उस plane के ऊपर lie करती है, ठीक है? तो अब देखो, generally हमारे पास अगर किसी plane का कोई passing point given है और सपोज ए बी सी उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस ऑफ एक्स वन ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जी माइनस जी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हमारा जो पासिंग पॉइंट है वो हमें ज़ीरो सेवन माइनस सेवन गिवन है और मान लो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके नॉर्मल के वो ए बी सी हैं, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी हमारे पास, ए इंटू एक्स माइनस ज़ीरो प्लस बी इंटू वाई माइनस सेवन प्लस सी इंटू जी प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट? तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन बनेगी। बेसिकली हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है आप और वो यहाँ पुट करनी है तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब देखो क्या है कि ये जो लाइन है इस प्लेन के ऊपर ही लाई कर दी है, इस पर ही लाइन जो है वो लाई कर रही है, तो मीन्स जो लाइन का पासिंग पॉइंट होगा वही प्लेन का पासिंग पॉइंट भी होगा। वी हैव जो लाइन है x प्लस वन माइनस थ्री वाई माइनस थ्री बाई टू एंड z प्लस टू अपॉन वन, तो इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर, यहाँ से माइनस वन थ्री एंड माइनस टू, ये लाइन का पासिंग पॉइंट है और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, माइनस थ्री टू एंड वन, राइट? लाइन में हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज, हाँ ठीक है, माइनस थ्री टू एंड वन पासिंग पॉइंट हमारा ये आ गया। तो अब देखो ये पासिंग पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर भी लाई करता है, सिंस लाइन लाइज ऑन प्लेन वन, देयरफॉर जो ये पासिंग पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x, y, z की वैल्यू माइनस थ्री टू एंड वन पुट कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी माइनस वन थ्री माइनस टू पुट कर सकते हैं। सो a माइनस वन, b इंटू y की वैल्यू थ्री माइनस सेवन, c इंटू z की वैल्यू माइनस टू प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स माइनस ऑफ a माइनस ऑफ फोर b एंड प्लस फाइव c इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास बन गई है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये लाइन इसके ऊपर लाई कर रही है प्लेन के ऊपर, तो मीन्स प्लेन के प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो इट मीन्स जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं और प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मीन्स ए वन यहाँ से अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हमने लिए हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हैं माइनस थ्री टू एंड वन, ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हम दूसरी क्वेश्चन बना लेते हैं, क्या आएगा, ए इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री ए, बी इंटू टू प्लस टू बी एंड वन इंटू सी तो प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो बेसिकली हमें इस टू और थ्री इन दोनों इक्वेशन से हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बात यह है कि हमारे पास इक्वेशंस तो टू हैं लेकिन वेरिएबल हैं तीन, तो हम नॉर्मली जो है इनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हमें यूज़ करना होगा इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट? जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हमें वो यूज़ करना है। तो देखो कैसे करना है हमें, ये लाइन्स है हमारे पास माइनस ए माइनस फोर बी प्लस फाइव सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और दूसरी लाइन है हमारे पास माइनस थ्री ए प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जैसे एक्स वाई और यहाँ पर वन रखते थे हम जब हम टेंथ में पढ़ते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसमें एक्स वाई और वन होता था, यहाँ पर ए बी एंड आपको थर्ड जो है वो यहाँ पर सी रखना है। तो फर्स्ट जो कोफिशेंट होते हैं वो हमारे पास बी के आएंगे, फिर सी, फिर ए एंड देन बी। तो पहले हमारे पास बी के कोफिशेंट हैं माइनस फोर अपॉन टू, सॉरी माइनस फोर एंड टू, फिर हमारे पास सी के आएंगे फाइव वन, फिर ए के हैं माइनस वन माइनस थ्री एंड देन अगेन बी के आ जाएंगे माइनस फोर एंड प्लस टू। ए बाय माइनस फोर माइनस टेन, बी बाय माइनस फिफ्टीन
plus 1 cy minus 2 plus minus 14, sorry, minus 12. So a upon minus 14, b upon minus 14 and c upon minus 14. सपोज कर लेते हैं कि सी लैम्डा की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू इक्वेट करके फाइंड करते हैं। इक्वेट करेंगे तो माइनस ऑफ 14 लैम्डा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ ऐसा कर लो, माइनस 14 तीनों के डिवाइड में है तो आप ये सब कैंसिल आउट भी कर लो, माइनस 14 माइनस 14 एंड माइनस 14। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास लैम्डा आ जाएगी। तो अब ये लैम्डा की वैल्यू जो है, ए बी सी की वैल्यू जो लैम्डा है, वो हम पुट करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने प्लेन की बनाई थी। Put A, B, C is equal to lambda in 1. So lambda x minus of 0 था यहाँ पर, plus lambda y minus of 7 plus lambda z plus 7 is equals to 0. Lambda तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x, यहाँ आएगा आपके पास y minus 7, यहाँ आएगा z plus 7 is equals to 0. 7 कैंसिल आउट, लैम्डा भी जाकर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस प्लेन की। थैंक यू।